तो आज का जो वीडियो है मेरा वो डीजल गाड़ी के ब्लैक स्मोक के ऊपर है। अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि जब हाई आरपीएम पे जब गाड़ी को एक्सेलेटर देते हैं तो इसमें से ब्लैक स्मोक आता है। तो इस गाड़ी में भी आज यही प्रॉब्लम है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा, इस प्रॉब्लम को, और बहुत ही इजी स्टेप बताऊंगा और सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीज़ें बताऊंगा आखिर ये क्यों आता था। कभी कभी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए हमको बहुत बड़ा काम करना पड़ता है, लेकिन हाँ आज हम उसी सही पॉइंट पे पहुंचेंगे और फिर उसके ऊपर मैं काम करूंगा और दिखाऊंगा, आप खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये गाड़ी को जब एक्सेलेट करते हैं तो इसमें काला धुआं आता है। नॉर्मल जैसे कम एक्सेलेटर हो, 1000 से 1500 2000 तक नहीं आता, 2000 से ऊपर ये देखिए फुल बढ़िया करके ये काला धुआं मार रही है। अभी काला धुआं ये देखिए, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं इसके लिए ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें चेंज कराना शुरू कर देते हैं। तो आज हम इसको पहुंचेंगे इसे मेन पॉइंट पे कि ये काला धुआं क्यों आता है और इस काले धुएं का जो इलाज है वो आप खुद से भी कर सकते हैं। इसमें कोई पैसा नहीं लगा है, ना कोई चीज़ मैंने चेंज की है, कुछ भी नहीं की है। बस इसको करना ये है कि ये जो बम्पर है, इस बम्पर को पहले हमको निकालना है बाहर, इसको बाहर निकाल के, और ये इंटरकूलर को खोलना है। प्रॉब्लम की जड़ यहाँ है, वो दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ है। पहले इस बम्पर को खोलने के लिए हमको ये बोनट को हटाना है। बोनट उठाने के बाद यहाँ ऊपर जो है बटन लगे रहते हैं, ये बटन देखिए लॉक टाइप के, ये स्क्रू ड्राइवर से बहुत आसानी से खुल जाते हैं। थोड़ा सा धीरे से हल्के हाथ से इसको खोलना है, ज़्यादा प्रेस करके नहीं खोलना है। तो पहले मैं इसको खोलूँगा, फिर इसके बाद ये सारे पेच यहाँ से निकाल के, और नीचे भी इसी तरह से बटन है, ये निकाल के बम्पर को हम करेंगे बाहर, और बम्पर बाहर करके फिर करते हैं इसका इलाज। और इसमें मैं आपको फिर फाइनली दिखाऊंगा भी। ये देखिए, ये मैंने इसके बम्पर के सारे ये बटन निकाल दिए हैं और इस बम्पर को अभी हम बाहर कर देते हैं। और बाहर करके उस तरफ का भी है, अभी साइड के इसके लॉक रहते हैं, वो लॉक हमको आसानी से आराम से थोड़े निकालने रहते हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी में साइड का एक से लॉक ख़राब थे इसलिए पेच लगे हुए हैं, तो मैंने ये पेच खोला है। अब इसको पीछे करने के बाद अभी ये फोक लाइट की देखिए कनेक्शन है, इसको भी मुझे निकालना पड़ेगा। मैं ये निकाल के पूरा बम्पर साइड में रख लूँगा, और पूरा बम्पर साइड में रखने के बाद नीचे जो आता है ये आता है इंटरकूलर। अब ये जो स्मोक है इंटरकूलर की ही वजह से है, वो कैसे अभी मैं आपको बताता हूँ। जब ये इंटरकूलर हम खोलेंगे, इसको भी खोलना बहुत ईजी है, अगर आप लोग चाहो तो घर पर खोल सकते हो, बस हाँ स्टेप बाय स्टेप ध्यान से आप सुनते रहो जैसे मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, इसको ये 7 नंबर की गोटी लगती है यहाँ पर, या फिर स्क्रू ड्राइवर, कुछ भी जो भी सही लगे उससे आप इसको लूज कर लीजिए। ये सिंपल क्लैंप है और कुछ नहीं है, क्लैंप इसको टाइट करने के लिए। और फिट करते समय ध्यान रखें कि ये पूरा फुल टाइट होना चाहिए, अदरवाइज फुल टाइट नहीं होगा तो एक दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी, कल ही मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा वो क्या प्रॉब्लम आती है। ये देखिए, अब ये आपको दिख रहा होगा हल्का सा मोबिल है यहाँ पे, यही इसकी समस्या है, मोबिल है यहाँ पे। वो अभी दिखाता हूँ मैं इसको कैसे क्या क्या करना है। पहले इसको खोल लेते हैं, पहले ये भी देखिए 10 नंबर की गोटी से खुलते हैं, 2 वोल्ट इधर इस साइड में ये पहला, और एक और वोल्ट है इधर पीछे की तरफ, और वैसे ही 2 वोल्ट उस तरफ हैं, वो दोनों वोल्ट हमको खोल लेने हैं। खोलने के बाद ये इंटरकूलर हमारा बाहर आएगा, और इंटरकूलर का काम क्या होता है, इंटरकूलर का काम ये है कि जो भी हवा इंजन के अंदर जाती है इसमें से गुजरते हुए जाती है, और ये इंटरकूलर उस हवा को ठंडा करता है। और जब ये पूरी तरह से ठंडा नहीं कर पाएगा तो गाड़ी की वर्किंग में फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ है इसमें कि जब आप इस ये काम कर लेंगे तो इसके बाद आपका स्मोक तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही पिकअप भी इम्प्रूव होगा और गाड़ी का परफॉर्मेंस भी अलग हो जाएगा, यानी कि बेहतर होगा। अब देखिए, ये हटा दिया मैंने और ये पाइप खोला, और इस पाइप में देखिए ये आया है मोबिल, ये मोबिल आया है। ये देखिए, ऐसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मोबिल आ गया तो इंजन ख़राब होगा, नहीं, थोड़ा बहुत मोबिल आ जाता है डीजल गाड़ियों में, टर्बो थोड़ा सा भी वीक होगा, हल्की सी भी वहाँ चालोगी तो थोड़ा बहुत मोबिल आ जाता है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा आया है तब हमको घबराने की ज़रूरत है, तब टर्बो में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए, ये इंटरकूलर को ये साइड से ऐसा ही क्लिप यहाँ भी लूज़ किया, और साइड के 2 बोल्ट जैसा मैंने बताया था 10 नंबर के, सिंपल वही है और कुछ भी बड़ा काम इसमें नहीं है। ये निकाला है हमने, ये निकालने के बाद इसके अंदर जो मोबिल आ गया, अब वो मोबिल करेगा क्या कि जब भी एयर इसके अंदर चलेगी, ये देखिए यहाँ तक पहुँचा है, एयर जब इसके अंदर चलेगी तो वो उसको ठंडा नहीं कर पाएगा, ठंडा नहीं कर पाएगा तो फिर वही गर्म हवा पहुँचेगी तो फिर वर्किंग पे उसके फ़र्क पड़ेगा और वही ब्लैक स्मोक गाड़ी में आएगा। ये देखिए ये जो है, और अभी इसके बाद मैं क्लीन करूँगा और क्लीन करने का तरीका दिखाता हूँ आपको, और फिर गाड़ी को टेस्ट करके भी दिखाऊँगा। ये देखिए, ये आ गया, नीचे मैंने एक थोड़ा सा तसला रख लिया है जिसमें भी हम स्टोर कर सकें, नीचे ना फैले वो, और एक साइड का मुंह मैंने इसका ये पॉलीथीन लगा के, और फिर से वही जो इसका क्लैंप था क्लैंप लगा के टाइट कर दिया, ताकि मुझे
इसको साफ करने में आसानी हो। साफ करने के लिए अगर केरोसिन है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मेरे पास डीजल है, केरोसिन नहीं मिला मुझे तो मैंने डीजल से इसको साफ किया। ये देखिए डीजल मैंने इसके अंदर डाला, एक तरफ से इसका मुंह बंद किया और दूसरी तरफ से वो पॉलीथीन लगी थी और इसको ऐसे तरीके से हिलाना शुरू किया। पूरा अच्छे से हिला लेंगे और रोटेट करते हुए हिला लेंगे ताकि जितनी भी इसके अंदर नालियां हैं वो सारी नालियों में से डीजल गुजरे। अब उसके बाद ये हमने ऐसा हिलाया, अब इसको पलट लेंगे। ये देखिए ये पलट के फिर उसी तरीके से जैसे रोटेट कर रहे थे वैसे इसको हिलाते रहना है, खूब अच्छे से इसको हिला लेना है ताकि वो जो ऑयल है वो डाइल्यूट हो उसके अंदर से और वो निकल के इसके साथ डीजल के साथ बाहर आएगा। और बाहर आने के बाद फिर एक प्रोसेस है वो भी दिखाना है मुझे आपको। ये देखिए कितना काला आया, डीजल डाला था हमने पूरा काला, यानी कि वो मोबिल को उसने वॉश करके निकाला है। वॉश करने के बाद इस डीजल से एक बार और कर लेंगे क्योंकि अभी इसके अंदर थोड़ा बहुत और होगा, तो एक बार डीजल और भरेंगे और फिर उसी तरीके से इसको हिलाएंगे, अच्छे से हिला लेंगे जैसे कि हमको समझ लीजिए इसको धोना है। तो बस उसी तरीके से हिलाते हुए और वैसे ही रोटेट करना है और इसको हम दो बार, आपको अगर ज़रूरत लगती है तीन बार करने की तो तीन बार भी निकाल लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि दो बार में हो जाएगा। इसके बाद में फिर दूसरा स्टेप है वो यूज़ करूँगा। इस तरीके से इसको निकालना है और निकाल के फिर हम आएंगे इसके बाद, क्योंकि ये हमने बम्पर हटाया है, बम्पर हटाया है तो हम एक काम और करेंगे साथ में, क्योंकि इसके पीछे जो ये रेडिएटर हमको दिख रहा है और ये ऊपर कंडेंसर, इसको मैं थोड़ा सा स्प्रे करूंगा। और ये मैं स्प्रे किससे कर रहा हूँ, ये स्प्रे गन है मेरे पास, ये 30 रुपये की अलग से गन मिली थी और ये प्लास्टिक की बोतल में फिट हो जाती है। सर्फ डाला है इसके अंदर मैंने और सर्फ डाल के घुला के इसको अच्छे से प्रेशर से इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ ताकि इसके ऊपर जो भी मैल कचरा वगैरह लगा होगा वो उससे थोड़ी देर के लिए कटेगा। और जब हम उसको छोड़ने के बाद, जब उसको छोड़ देंगे तो फिर उसके बाद उसका काम करेंगे ताकि दूसरा परफॉर्मेंस भी उससे बढ़ जाए। और रही बात ये पाइप जो ऊपर से आता है टर्बो का, ये भी खोल दिया हमने उसी तरीके से और इस पाइप को भी साफ करेंगे। नया डीजल ना डालते हुए मैं इसी को कर लेता हूँ इसी से ही, क्योंकि इसका कोई बहुत ज़्यादा ऐसा रोल नहीं कि इसके अंदर हवा ठंडी होगी, ठंडी हवा इसके अंदर नहीं होगी, ठंडी होगी वो इंटरकूलर में होगी। तो बहरहाल ये इससे ठीक ठाक साफ हो जाएगा और इसके बाद मैं इसको प्रेशर से धो लूँगा तो काम चल जाएगा। तो मैं इसको कर, आप लोग चाहे नया डीजल डालना या नया केरोसिन तो और भी केरोसिन डाल के धो लो, कोई फर्क नहीं है। बहरहाल मुझे इससे करना सही लगा तो मैंने ऐसा ही किया, ज़्यादा डीजल का वेस्ट ना करते हुए कम से कम में मैंने काम किया। और एक चीज़ और खासियत देखिए, इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा डाला, चेंज नहीं किया है। हम लोग कभी कभी क्या होता है, नॉलेज ना होने की वजह से मैकेनिक्स के पास या वर्कशॉप पे पहुंचते हैं और वो कुछ भी आपका चेंज करते हैं, साहब टर्बो भी पड़ जाएगा, ये भी हो जाएगा, और उसके बाद भी आप देखते हैं रिस्पॉन्स नहीं आता है, धुआं वहीं रहता है, फिर आप कई इलाज करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ये पॉइंट अगर हम समझेंगे तो बीमारी की सही जड़ तक पहुंच जाएंगे और उसको आसानी से कर लेंगे। मतलब ये कि कोई प्रॉब्लम मुसीबत नहीं बनेगी, कभी कभी वो कोई प्रॉब्लम ना मुसीबत बन जाती है और फिर उसको हम झेलते रहते हैं आगे धीरे 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 धीरे, तो वो नहीं बनेगा। तो ये देखिए अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास देखिए मोटर, जो घर वाली मोटर होती है वो, उसी से प्रेशर मैं इसके अंदर मार रहा हूँ क्योंकि इसका प्रेशर हाई है, समरसिबल का है ये प्रेशर। और मैं इसके अंदर पानी एक तरफ से मैंने लगाया और दूसरी तरफ से इसको थोड़ी देर तक निकलने देता हूँ। फिर इसी तरीके से उल्टा करके करूँगा, फिर पाइप को साफ करूँगा और फिर ये याद रहे कि इसके बाद इंटरकूलर को हमको खड़ा करके थोड़ी देर छोड़ना है। और ये जो नालियाँ हैं, ये जिसके अंदर से हवा पास होती है, इसको भी हम अच्छे से साफ करेंगे। और साफ करने के बाद अभी जो हमने कंडेंसर पे जो स्प्रे किया था सर्फ का और कूलिंग कॉइल पे, सॉरी कूलिंग कॉइल, कंडेंसर और रेडिएटर दोनों पे हमने किया था स्प्रे, और स्प्रे करने के बाद यही पानी का प्रेशर मैं उस पर भी यूज़ करने वाला हूँ। ये देखिए ये मैंने इस पर भी यूज़ किया। अब इससे होगा ये कि ये जो कंडेंसर है एसी का, ये भी साफ़ हो जाएगा और कूलिंग गाड़ी की अच्छी हो जाएगी, दूसरी चीज़ें रेडिएटर भी साफ़ होगा तो परफॉर्मेंस जाहिर सी बात है बढ़ेगा। तो हमको एक काम के लिए हमने खोला तो कई काम हम कर सकते हैं। अच्छा, पानी मारने से पहले ध्यान रखेंगे, देखिए जो पाइप था इस पर मैंने कैप लगा लिया था और इधर वाला पाइप मैंने पहले फिट कर लिया था, तो दोनों पे मैंने पॉलीथीन लगाए थे। पॉलीथीन इस वजह से लगाए थे कि इसके अंदर पानी ना जाए। और इसको, ये जो इंटरकूलर है, इसको थोड़ी देर तक मैंने सीधा ऐसे रखा जब तक इसका पानी पूरी तरह से बाहर ना हो गया। जब वो पूरा पानी बाहर हो गया उसके बाद इसको लगाना हमने शुरू किया है। और लगाने का तरीका सिंपल, बस ये पाइप को ऊपर चढ़ाना है, क्लैंप याद रखिएगा, क्लैंप पहले ही पाइप में डाल लीजिए, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। ये देखिए जैसे कि मैंने पहले डाल लिया था और फिर ये क्लैंप इसमें हम लगा के चढ़ाएंगे और टाइट कर देंगे। ये हो गया फाइनल अभी फिट। वही 2 वोल्ट इधर 2 वोल्ट इधर वो लगा के मैंने ले लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं छोटी से छोटी वीडियो में आपको दिखाऊँ।
लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो बड़ी हो ही जाती है। देखिए काम है और तरीके से बताना है तो वो थोड़ा बहुत तो आएगा ही। तो अभी ये फाइनल मैं इसका बम्पर फिट कर रहा हूँ और बम्पर फिट करके एक बार मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि अभी कितना स्मोक है और पूरा आरपीएम के साथ दिखा और फुल एक्सलेटर देंगे इसका दबा के बिल्कुल। देखते हैं फिर अब धुआं आता है कि नहीं आता है। मेरे हिसाब से अभी ये धुआं इसमें नहीं आना चाहिए क्योंकि जो इसकी जड़ थी वहां तक हम पहुंच गए थे। और देखिए ये वीडियो बना रहा हूं, वीडियो बनाता हूं, थोड़ी मेहनत करता हूं, तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए। वीडियो लाइक करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा काम करने का। और लाइक कीजिए वीडियो को और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से और भी वीडियोस में लेके आता रहता हूँ। और आप लोगों को कहीं कुछ प्रॉब्लम लगती है, कुछ भी अटकते हैं, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए ये फाइनल मैंने एक बम्पर फिट कर दिया। अब इसको बोनेट को बंद करके एक बार गाड़ी हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें स्मोक है या नहीं है, कितना गया है। चलिए बहरहाल वो तो सामने ही दिखेगा। एक बार स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। ये देखिए गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने के बाद कभी भी गाड़ी स्टार्ट करने के बाद तुरंत एक्सीलेटर मत दिया कीजिए। कभी भी गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ा सा छोड़ दीजिए ताकि वो अपना सर्कुलेट हो जाए मोबाइल। और ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ये हमको याद रखने चाहिए। कभी भी गाड़ी को स्टार्ट करके एकदम एक्सीलेटर नहीं देना है। चलिए अब देते हैं एक्सीलेटर। ये देखिए गाड़ी में एक्सीलेटर दे रहे हैं पूरे अच्छे तरीके से, लेकिन स्मोक आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी दिखाई भी नहीं दे रहा है। हल्का सा बिल्कुल बिल्कुल मामूली सा, यानी स्मोक जो ब्लैक स्मोक था बिल्कुल नहीं है। अभी मैं आपको मीटर में लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि कितने में 4000 से 5000 तक आरपीएम तक इसको पहुँचाते हैं, उसके बावजूद भी इसमें स्मोक नहीं है। और देखिए कुछ भी खर्च नहीं हुआ इसमें, कोई पैसा नहीं लगा, लेकिन स्मोक चला गया। ये देखिए स्मोक ये कहाँ तक जा रहा है, 4000 3000 4000, ये देखिए 4000 5000 तक मैं पहुँचा दे रहा हूँ आरपीएम को, लेकिन उसके बावजूद भी स्मोक नहीं आ रहा है गाड़ी में। इसका मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो ठीक है, अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ लगता है ऐसा समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका मैं करूंगा रिप्लाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।